Sultan, Chairman and Founder MAK Aviation Academy. बड़ी खुशी की बात है, आज हम 20 years anniversary celebration कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम लोग 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं एविएशन इंडस्ट्री में और मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स आर वर्किंग एट एयरपोर्ट हियर इन हैदराबाद एज वेल एज अदर कंट्रीज ऑल्सो. अभी राइट नाउ हैदराबाद में हमारे 3 ब्रांचेस हैं, जो मेन ऑफिस है एबिट्स पर अपोजिट टू रामकृष्णा थिएटर और दूसरे और ब्रांचेस जैसे एक हिमायत नगर पर है अपोजिट टू टाटा मोटर्स और एक ब्रांच है यहाँ पर NMDC मेहदीपट्टनम रोड पर जो बिल्कुल अपोजिट है पार्क कॉन्टिनेंटल होटल के. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑफिसेस है फ्रॉम मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक हमारे पास बैचेस है कंटिन्यूसली और जो फैकल्टीज़ हैं हमारे पास जो मोर देन 20 years, 30 years एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग उनके अंडर ट्रेन हो रहे हैं बच्चे, जिसका रिज़ल्ट भी हमको बहुत अच्छा आ रहा है. जिस ये ट्रेनर की वजह से ही बच्चे अच्छा ट्रेन हो रहे हैं और सभी एयरलाइंस से डिमांड भी हो रहा है कि हमको कैंडिडेट चाहिए आपकी अकेडमी से. तो अभी आप देखेंगे अगर एवरेज तो मोर देन 60% जो स्टूडेंट्स है हैदराबाद एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं वो मैक एविएशन एकेडमी की है और ना सिर्फ एक एयरलाइन बल्कि सारे एयरलाइंस में हमारे स्टूडेंट्स काम अंजाम दे रहे हैं. कितने मंथ का कोर्स है? देखिए हम एक्चुअल जो कोर्स है इंटरनेशनल लेवल पर जो IATA एक ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से तो एक मिनिमम 6 months का कोर्स रहना चाहिए, लेकिन हम कैंडिडेट्स को देख करके ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए. तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो 2 या 3 महीने में भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस शो करते हुए जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है हम लोग असिस्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ वगैरह अरेंज करवाते हैं और उनके परफॉर्मेंस के बेस पर सिलेक्शन भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत ही सक्सेसफुल अभी तक हम लोग अपना ये पीरियड गुजारे हैं और बड़ी खुशी होंगी अगर यंग जनरेशन इस फील्ड में आना चाहे तो, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत सारे एयरलाइंस के है भी और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है. क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कोर्स के लिए? जी इसके लिए अभी मिनिमम इंटरमीडिएट चाहिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स की और एज लिमिट भी है इसका. जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो हमारे किसी भी ब्रांच पर कॉन्टैक्ट करें या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड और ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग मेथड है सब कुछ डिटेल्स में बता देंगे. और हमको भी कुछ रिक्वायरमेंट है उसमें, ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है. इसके लिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए कैंडिडेट में, लुक्स भी मैटर करता है क्योंकि ये इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री है एविएशन इंडस्ट्री जहाँ पर ग्रूमिंग पार्ट भी देखा जाता है. तो इस तरह से हम लोग कैंडिडेट्स को एडमिशन लेने से पहले सब चीज़ को चेक करके ही एडमिशन लेंगे. अभी ये 20th ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस मौके पर हम एक ऑफ़र रखे हैं कि स्टूडेंट्स को फ़ी में कंसेशन किया जाएगा. एक्चुअल जो फीसेस है वो तो कुछ ज़्यादा है बट नाउ वी आर प्लानिंग टू चार्ज 50% ऑफ द कोर्स फीस ओनली, यानी कि 50% हम उनको फ़ी में कंसेशन करेंगे. और ये ऑफ़र सिर्फ मार्च के पीरियड में ही रहेगा, जो स्टूडेंट मार्च में ज्वाइन करेंगे उनको ही हम 50% फ़ी में कंसेशन करेंगे. और ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास, ये 20 इयर्स की हिस्ट्री में हम लोग देखे हैं जिसके पेरेंट्स वगैरह नहीं हैं या जो लोग फ़ी बिल्कुल पे नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए हमारे पास कुछ ऐसे नेशनल सॉलिडरिटी कमेटी बोलकर एक है जो स्कॉलरशिप यानी कि फ़ी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि बच्चों को फ्री में कोर्स हो जाए. तो इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है, करना चाह रहे हैं और अपने आप अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो हम
ऐसे जो कमिटीज़ है जैसा नेशनल सॉलिडरिटी कमेटी और दूसरे भी कमेटी ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्कॉलरशिप मतलब फ़ी दे रहे हैं लोग को, तो इंशाल्लाह हम वो भी सपोर्ट करेंगे। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास रिटेंड होकर जा चुके हैं फ्री में भी कर, तो वो भी सपोर्ट रहेगा हमारी तरफ से। और सबसे अच्छी बात तो हमारे पास ये है कि जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो ऑलरेडी कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम कर चुके हैं, और 20-20 साल 35 साल जो एक्सपीरियंस है वैसे लोग हमारे पास ट्रेनर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का जो रिज़ल्ट है आज सारे स्टूडेंट्स हैदराबाद एयरपोर्ट पे आप देखेंगे तो मेजॉरिटी में मैक एविएशन एकेडमी के स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। हर स्टूडेंट्स को जॉब मिलना कंपलसरी, कुछ गारंटी है? नहीं, देखिए हमारे लतीफ़ साहब जॉब की तो किसी तरह की कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकते। ये ज़रूरी है कि हम उस काबिल मतलब बना देंगे बच्चों को ट्रेनिंग दे करके कि वो लोग आसानी से जॉब हासिल कर सकें, है ना, क्योंकि हमारा काम है बेहतरीन ट्रेनिंग उनको देना। उसके लिए हम ऐसे ट्रेनर्स को हायर करें एक चीज़, और दूसरा ये है कि हम उनको ट्रेन करने के बाद इंटरव्यू अरेंज करवाना, और वहाँ पर जाने के बाद जो भी होता है वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना अपना बेस्ट करेंगे, उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो रिज़ल्ट अगर हम देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20 कैंडिडेट्स हमारे पास से इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 18 कैंडिडेट्स तो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही एक दो कैंडिडेट जो रिजेक्ट होते हैं वो भी हमको फीडबैक आ जाता है कि किस वजह से रिजेक्ट हुए, तो कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग कुछ करते हैं? हाँ, दोबारा हम हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी हमारे पास एकेडमी में ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट सारे जॉब हासिल करें। तो अगर सपोज करें कि कोई लड़का वीक है जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, दोबारा उनको हम बुलाएंगे, कुछ दिन और ट्रेनिंग देंगे उनको, दे करके दोबारा अटेंड करवाएंगे इंटरव्यू। तो जब तक कि वो जॉब ना हासिल कर ले तब तक हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं कि 2 महीने के अंदर भी बच्चे ट्रेन होकर के जॉब ज्वाइन कर लिए हैं। आपका कॉन्टैक्ट? ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर आप 8686220680 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो वेबसाइट है www.macfly.org उस पर भी आप विजिट करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं ब्रांचेस के, और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। बैकबोन है मैक एविएशन के लिए, और हमारे सभा मैम हैं जो कैबिन क्रू के क्लासेस लेते हैं, और दूसरे जो स्टाफ है अब जो उसके काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, और हम भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हाई रिगार्ड्स है उनके ताल्लुक से। एंड वी ऑफर ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू द एविएशन इंडस्ट्री, बींग ए ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, कार्गो एंड एयर टिकटिंग, एंड वी प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड, एंड आवर मोटो इज to provide a quality program for the student that they can support their family, and we look forward to serve the students in the best manner in future. मेरा नाम मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान है, मैं मैक एविएशन में ग्राउंड हैंडलिंग क्लासेस लेता हूँ। जैसा कि अभी सुल्तान साहब ने आपको तफसील से बताया कि इस इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या क्या कोर्सेज कराते हैं, मेरी जिम्मेदारी जो है ग्राउंड हैंडलिंग कोर्सेज के बारे में है। मैं आपको थोड़े से तफसीलात बताऊंगा इस कोर्स में क्या किया जाता है, हम क्या पढ़ाते हैं। जैसा कि ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एयरपोर्ट पे काम जब हम करते हैं तो हमारे को कोड्स हम लोग यूज़ करते हैं, बजाय इसके के फुल फॉर्म में एयरलाइन का नाम हो या फिर किसी सिटी और एयरपोर्ट का नाम हो तो कोड्स हैं, और कुछ टर्म्स रहते हैं जो हम एयरपोर्ट पे यूज़ करते हैं जिसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, तो ये सिखाते हैं हम, कोड सिखाते हैं उन लोगों को। और रैम्प हैंडलिंग है, और जो है पैसेंजर टर्मिनल में जो है पैसेंजर सर्विसेज है, और स्पेशल हैंडलिंग है, और रैम्प हैंडलिंग है, ऐसे कई अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग जो है ना डिटेल में इन लोगों को समझिए आप क्लासेस लेते हैं। इसमें हम वीडियो और ऑडियो भी जो है वो यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को सही एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो सके। Myself, I'm Sabha Khan. I'm branch manager at Himayat Nagar MAK Aviation Academy. As well, I'm a cabin crew trainer. At this occasion of completion of 20 years, successful 20 years of MAK Aviation Academy, we
we are offering different courses like cabin crew, airline ticketing, ground handling. We have a great future in this airline industry. Like we do sleep, but airline industry never sleeps. So always there is an option, there is opportunities, there are lots of requirements. So we recruit the students as well. In cabin crew, there is a great future. It's a service industry. So we do conduct interviews here, Indigo interviews and many other airline interviews in our office itself. Yahan pe interviews hote hain. So we recruit the students from here as well, and then ground handling course here since last 2 months, and the pay is very less and very reasonable. Okay, and I suggest you guys to join here for your bright future. Okay, and there is very much scope in your life if you join in.